ऐड है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, फ्लिपकार्ट हॉल लेके, क्योंकि फ्लिपकार्ट से हमने मंगवाए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। कितने सारे प्रोडक्ट्स? 23 प्रोडक्ट्स, रैंडम से प्रोडक्ट है तो आ रहे हैं, और उसके हॉल 5-6 करके हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आज टायर्ड हूँ, अभी भी मैं स्कूल से आके ना मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले, और स्कूल से डायरेक्ट मम्मा के घर गई थी, वहाँ पे थोड़ा सा लंच करके फिर शाम को पापा ले आए घर पे, तो आके मैं देख रही हूँ कि ये पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं शूट पे बैठूंगी तो इसके इसको भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, और ये मेरे साथ थोड़ा सा हॉल भी कर लेगी। मम्मी से बचा के लाई हूँ इसको, मम्मी से बचा के लाई हूँ, थैंक्स भी नहीं बोली। दांत कहाँ है दिखाओ, कैमरा में दिख रहा है दांत? छी छी छी, दांत गिर गया इसके, चूहे लेके गए। आपके वजह से टूटा है क्यों? मैंने क्या किया? थप्पड़ मारा है मुझे। हाँ, मैंने थप्पड़ मार के, ईंट से थप्पड़ मारा जाता है। फालतू की बातें हैं, खुद के तो दांत चूहे ले गए और मेरे ऊपर ब्लेम दे रही है। तो चलो फ्लिपकार्ट अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और अंदर क्या है वो भी दिखा देते हैं। एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, तो आज मैं चोटी करके आई हूँ। चोटी करके आई है और तेल लगा के आई है। तेल भी शायद फ्लिपकार्ट से लिया हुआ था, पता नहीं। हाँ, वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। हाँ, फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने। तो अभी बहुत टायर्ड फेस आप देख सकते हो, क्योंकि अभी तक मैं रिफ्रेश भी नहीं हुई हूँ। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं, ये 3 अनबॉक्सिंग करेगी और मैं 3 अनबॉक्सिंग करूंगी। एक मैंने ऑलरेडी कर दिए है, तो अपना वाला पार्ट स्टार्ट करो, लेट्स बिगिन। एक तो कटा हुआ है, वो दिखाओ। एक आपके पास कटा हुआ है? ओह सॉरी सॉरी। सो दिस वन पता नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। ठीक है, काटो तो इसको किस तरह से काटना। हाँ, इसको काटो। ओहो, ये मेरे बेल्ट है जो मैं मंगवाई थी। ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। चलो इसको खोलो, तो उसमें से परचेज कर लेना, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी है, आप वहाँ से परचेज कर लेना, क्योंकि कोई भी पियर का नहीं है और पूरे के पूरे मेरे अपने परचेज है। वाओ, सही में अच्छा ना, दिखाओ। रियल डायमंड लग रहा है। हाँ, खुद बाद में देख लेना, सबको पहले दिखाओ। ऐसे मेरा एक और भी था ना, टैन कलर के, नहीं नहीं दिखाऊंगी, टैन कलर के भी एक थे ना, ये आपने देखा है हॉल में, है ना? मेरा एक टैन कलर का भी है ना, ऐसे सॉसेज। हाँ, ये देखो इसके ब्रोच, ओ माय गॉड, कितना सही है, कितना रॉयल लुक है। और इसके जो हैंगिंग पार्ट है वो देखो, ऐसे क्लिप करते हैं इसको, कैसे देखो, कैसे करते देखो, दिखाओ तो। यह दो है। ओके ओके, अरे खुद देख लिया, सबको दिखाओ, पागल है। चलो, ये मैंने इसे सीख लिया है, एक तो यहाँ से डालो, फिर एक यहाँ से, मैंने एक सीधा एक उल्टा है ना। हाँ, ऐसे देखो। वाओ, कितना सही है, कितना रॉयल लुक है ना। हाँ, कोई भी व्हाइट ड्रेस के साथ डालो, कोई भी ऐसे वाले टैन कलर के ड्रेस के साथ, पीच ड्रेस के साथ भी, ब्लैक ड्रेस के साथ, ओ माय गॉड। होते हैं ना बहुत लोगों के यहाँ पे अनारकली वाला जो पार्ट लूज होते हैं वहाँ पे भी। हाँ, इसने तो पहन ही लिया। अच्छा चलो, ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्सल खोलो तो जल्दी से। सो गाइस, ये है नया वाला, तो खोलो, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। हां करते हैं, चलो। आज तो मैं ऐसे ही लेटी रहूंगी और ये अनबॉक्सिंग मेरे होकर हॉल कर रही है। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज्यादा आज मैं टायर्ड हूँ। ज्यादा नहीं होते है ना, बाहर निकालो। वाओ, ये बॉम्बे शेविंग का बॉडी रेजर है। तो ये बॉम्बे शेविंग का बॉडी रेजर है, ऐसे ऐसे हैंड्स के ऊपर से जो हेयर रिमूव करते हैं ना हम, तो उसका ही रेजर है पहला वाला मेरा जो। नो, इससे वाला नहीं, क्योंकि ये स्मूथ गार्ड के साथ आते हैं, क्योंकि ये ना स्मूथ गार्ड के साथ आते हैं बॉम्बे शेविंग वाले। ये है, और इसके जो हेड्स है ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मैंने सुने हैं। और इसको मैं थोड़ा सा नहीं, इसमें ब्लेड है ना, ये आपको नहीं खोलना है, फिर आपसे मैं खोलूंगी। ठीक, आपने मेरा दो खोल लिया। ओके, इसमें देखो, इसके ना प्राइस भी ज्यादा नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये है, ये तीनों कलर भी बहुत सही है, देखो बहुत अच्छा ना, पिंक एंड पर्पल का, ब्लू का है, ब्लू का भी कॉम्बिनेशन है। इसके ग्रिप भी बहुत सही है, ग्रिप बहुत सही है इसके। ये कांच का क्या है? कांच का नहीं है, प्लास्टिक का है, इसका कवर है।
रख दो इसमें। ओके आप नेक्स्ट वाला अनबॉक्सिंग करने करो करो। थर्ड वन इज दिस, इसको ना मैंने थोड़ा सा ओपन कर लिया था। ये फेशियल रेजर है, इसको दिखाओ, इसका ब्रांड दिखाओ। कारमेसी के फेशियल रेजर है ये ना, आपको पर्पल पे भी मिल जाएंगे। ये आपको ना पर्पल पे भी मिलेंगे। यहाँ पे थ्री रेजर कलर्स है, मेरा फेवरेट कलर है ये, पीच कलर ना। एक नीचे रख दो ना। अब क्या करोगे इससे? इसको देखते रहूंगा देखता रहूंगा या देखती रहूंगी। इसको ना जेंडर का पता नहीं है हिंदी में, जेंडर का पता नहीं है ना। ओहो हो हो हो, मुझे उतना हिंदी आपको बहुत आती है। बंगाली में मतलब कंफर्टेबल हूं। अब बोलो फिर बंगाली में सबको क्या बोलूं। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बंगाली में सुनाओ सबको। इसके बंगाली, इसके बंगाली बताओ कि मुझे ये कलर बहुत पसंद है, बंगाली में बताओ सबको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राइजेस वगैरह मिल जाएंगे। सस्ता है ज्यादा, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा प्राइस ही नहीं है, ये एकदम ही सस्ता है। 1, 2, 3 हो गया ना। अभी दो चीजें जो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी थी, ये दो चीजें, ये दिस वन। और मैं आपको इसका एक बात बता देती हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे ओपन भी कर सकते हैं। मतलब कैंडल है, कैंडल है, कैंडल जैसा। तो एक्चुअली वैसा वाला है, लूज है ये। हाँ, और हम ना ये लाए थे हमारे शेल्फ के ऊपर रखने के लिए ड्राइंग रूम के। वो अभी भी एक है सेम। हाँ ऐसे है सेम, वो भी आपको दिखाएंगे। और वो हम लाए थे, बट शेल्फ अभी ना लगा हुआ नहीं है। टीवी कैबिनेट्स वगैरह अभी भी लगा हुआ नहीं है, उसके ऊपर ये सही लगते हैं। हैंग करने के लिए भी जगह है, तो हमने अभी भी इसको ना एक्वेरियम टेबल के ऊपर रख दिए हैं, तो उसको अभी शेल्फ वगैरह लग जाए। शेल्फ स्टडी टेबल था। हाँ, इसके स्टडी टेबल था, तो अभी जगह थोड़ा सा कम है, क्योंकि शेल्फ वगैरह या हमारे जो टीवी के साइड में जो कैबिनेट है, वो सारी चीज़ें अभी भी नहीं लगे हैं। घर में ही है, सारी चीज़ें डिलीवर हुए हैं, बट लोग नहीं मिल रहे हैं लगाने वाले। जो भैया आके लगाते हैं वो अभी बिजी है काम के लिए, तो वो नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, हमारे शादी वाले फोटोज भी लगाना है, वो भी अभी भी नहीं लगा पा रहे हैं। एक महीने के ऊपर हो गए हम नए घर में आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। वेट करना है, चलो सबर का फल मीठा होता है, अच्छे दिखने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको परचेस किया है। लास्ट में आपको दूसरे वाले लंटन दिखा देंगे लास्ट में, और दो पैकेजिंग न्यू है उसको भी दिखाएंगे। एक तो मैंने ऑलरेडी, ओके ये आप खोलो, मुझे नहीं पता क्या है ये मैं पहले दिखा दूं। लगता है चप्पल है। हाँ चप्पल है, सही में चप्पल है। हाँ ये है केया शेट एरोमा थेरेपी SPF 50 UVB PA++ UVA अम्ब्रेला सनस्क्रीन पाउडर। तो ये मुझे यूज करने का ना बहुत शौक था, तो ये मैं ऑलरेडी आज यूज करके स्कूल भी गई थी। हाँ, इसको देखना हो गया। ये ना लूज पाउडर है, लूज कॉम्पैक्ट नहीं है, लूज है। इतने सारे फ्रेग्रेंस काफी है, फ्रेग्रेंस एक्साइटमेंट में बंगाली निकल गया इसके मुंह से। देखी देखो। तो इसके अंदर लूज पाउडर है और अम्ब्रेला सनस्क्रीन है विथ SPF 50। मुझे बहुत पसंद है ये वाले सनस्क्रीन, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएंगे। और मेकअप लुक भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये पीच कलर है। हमेशा बंगाली बोलते तो मुझसे निकल जाता है। चलो ठीक तरह से खोलना, अगर साइज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको रिप्लेस भी करना, रिटर्न भी करना। के भी मेरी। हाँ ये सही है, मेरे और इसके चप्पल के साइज एक है। भाभी को 5 लगते हैं, मेरे को 4-5। 10 मिनट के ऊपर वीडियो हो गया, जल्दी से अनबॉक्स करो। चलो दिखाऊंगी दूसरे, जो दूसरे लंटन दिखाऊंगी। हाँ अरे बाप रे, वाह कितना वाओ, ये ना हार्ड सा नहीं है, बहुत सॉफ्ट है ना। एंड इसके ऊपर जो कपड़ा है ना, मतलब कपड़ा बोलते थे सोल वो बहुत सॉफ्ट सी है, वेलवेट का है। देखो सामने से दिखा देती हूँ सबको। रुको एक में आने का, ये है आप पकड़ो।
हाँ, इसके जो फ्लावर है अच्छी क्वालिटी के है, फिक्स्ड है बहुत सुंदर से, डिजाइन पैटर्न काफी सुंदर है और पिंक और ब्लैक की कॉम्बिनेशन परफेक्ट सही है। आपको बड़ा होगा? नहीं नहीं ठीक ही है, ठीक ठाक ही है, क्यूट है ना, बहुत क्यूट है। ये डाल के ना मैं कोई मेकअप लुक करूंगी तब आपको दिखाऊंगी। आपके पैर में आ गया? हाँ, नीचे बैठ बैठ के चप्पल पहन। ओह माय गॉड, ये तो पागल है। डाल के चलो, इसके हो गया है चप्पल और इसके एक साइज छोटा है इसलिए मेरा ठीक ठाक है। ये अच्छा है, बहुत सही है, 38। तो ये है, चलो हो गया आज का अनबॉक्सिंग। तो चलो आपको वो वाला लंटन दिखा देते हैं ना, इसको आप अंदर डालो, इसको डालो। मैं जल्दी से ये लेकर, सो गाइस मैं फाइनल इसको लेकर आ गई और भाभी का ये फेवरेट कलर है तो ये भाभी दिखाएंगी। ये है मेरे पास येलो वाला, आपको पता होंगे क्योंकि ये एक बहुत कॉमन वाला लंटन है। इसके अंदर भी आप कैंडल लगा सकते हो, कैंडल दिया हुआ है, ये येलो में है। यहाँ पे ना ग्लासेस है, इसको सावधानी से रिसीव करना और सावधानी से रखना। ये भी हम शेल्फ पे लगाने के लिए ही लाए हैं। और इसको ना मैंने रूप वाले जो हैंगिंग जो मैंने परचेस किया था ना, जहाँ पे मैंने एक प्लांटर भी रखे थे, उसके ऊपर मैंने एक रखे है। और दूसरा आप दिखाओ, ये ना हमारे एकदम नए है क्योंकि हम इसको भी शेल्फ के ऊपर या हमारे टीवी कैबिनेट के ऊपर रखने वाले है। तो ये ना स्काई ब्लू कलर के है, सेम टू सेम है। उसका कैंडल निकालो, देखो कैंडल के ऊपर सेलोटेप लगा हुआ है क्योंकि ये निकलना चाहिए। हाँ, राइट राइट निकल रहा है। और इसमें एक अच्छी बात है, वो है यहाँ पर ग्लास जो है, आप उसको निकाल के क्लीन भी कर सकते हो। यस, पता नहीं मैंने तब तक नहीं किया। दिस वन, ओके। यहाँ पर ग्रीन और ब्लू कलर का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको हमने इसको अभी भी पैक करके रख दिए हैं क्योंकि इसको हमें टीवी कैबिनेट के ऊपर ही रखना है। तो यही था दो, तो यही था दो लंटन जो हमें डेकोरेशन के लिए रखना है। ये गया चप्पल और सारी चीज आप लोगों के साथ शेयर ऑलरेडी कर दिए हैं। तो यही था आज का वीडियो, आज का हॉल फ्लिपकार्ट हॉल। सो आई होप आपको पसंद आया। और भी फ्लिपकार्ट हॉल आने वाला है। किसका? फ्लिपकार्ट हॉल। हाँ, और भी फ्लिपकार्ट हॉल आने वाले है, उसमें सारे में मैं रहूंगी। हाँ, ये रहेगी मेरे साथ, इतने सारे अनबॉक्सिंग यू करना है। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।